कोई नट क्रैक, कुछ लोग नट्स क्रैक करते हैं या कोई बोन चूइंग में बहुत ज्यादा होते हैं इंटरेस्टेड, तो इन लोगों में ज्यादातर पोस्टीरियर टीथ पे बहुत ज्यादा ओक्लूजल लोड पड़ रहा है, चूइंग में इतना होता है उससे ज्यादा. तो जब एक्सेसिव लोड हमारे क्राउन पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो तो फ्रैक्चर होगा, इसलिए पोटेंशियल टू फ्रैक्चर इन पोस्टीरियर का है. ओके उसके अलावा यहाँ पे आ गया require a resin cement to micromechanically bond to the tooth structure. अच्छा, इसमें itself इतनी capability नहीं होगी क्योंकि core भी इसी ceramic का बना हुआ होगा और कोई और material इसके अंदर incorporated नहीं है, तो इसलिए हमें एक cement apply करना पड़ेगा अगर हम इसको tooth structure पे लगाना चाहते हैं. Usually cementation होती है, ठीक है, but यहाँ पे cementation disadvantages है क्योंकि यहाँ पे हमें micromechanically bond करना है. Micromechanically मैंने पहले पढ़ाया था chapter 2 में adhesion, जो हमारा एडिशन में था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो होती है बॉन्डिंग, एक होती है मैकेनिकल एक होती है केमिकल. यूजुअली हमें केमिकल बॉन्डिंग चाहिए होती है बिटवीन अ क्राउन एंड टूथ सरफेस. केमिकल बॉन्ड हो गया बस वो काफी है, यहाँ पे हमें माइक्रो मैकेनिकल बॉन्ड चाहिए होता है बिटवीन द टूथ स्ट्रक्चर एंड द सीमेंट, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत फ्लोई मटीरियल है, वो इतनी आसानी से माइक्रो मैकेनिकल अटैचमेंट नहीं करवाएगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, किसी कोई कंफ्यूजन कोई चीज नहीं समझ आई हो, किसी चीज में पूछना हो तो अभी पूछ सको वरना फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ. ठीक है, प्रेसिबल सिरेमिक सबको क्लियर हो गए. ओके, देन देयर इज कास्ट ग्लास एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक्स. अब कास्ट ग्लास एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज है कि जो कास्ट ग्लास में हम वही तरीका यूज करेंगे कास्टिंग जो हमने पढ़ा है, अभी तुम लोगों ने चैप्टर 9 पढ़ा था कास्टिंग का, उसमें तुम लोगों ने पूरा तरीका पढ़ा था कैसे वैक्स पैटर्न बनता है, इन्वेस्टमेंट में हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको पहले हीट करेंगे वैक्स बर्न आउट करने के लिए, फिर उसके अंदर हम फ्लो करा दो मेटल या कोई भी चीज. तो यहाँ पे वही कास्टिंग यूज होगी, कास्टिंग का तरीका यूज होगा, बट मेटल को फ्लो नहीं कराएंगे हम, लिक्विड जो लिक्विफाई हुआ हुआ सिरेमिक है वो फ्लो करवा रहे हैं ताकि हमारा क्राउन या ब्रिज बन सके. तो बेसिकली कास्टिंग का प्रोसीजर होगा यहाँ पे बनने के लिए, इसलिए इसका नाम कास्ट ग्लास एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक्स दिया गया है. क्लियर है? ओके, दे आर यूज्ड ओनली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल क्राउन एंड आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर सिंटर एल्यूमिना एंड प्रेस्ड ग्लास सिस्टम. सिंटर एल्यूमिना कोर जो मैंने पढ़ाया था और पढ़ाया जो है प्रेस्ड ग्लास सिरेमिक्स, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इनसे कास्ट ग्लास एंड पॉलीक्रिस्टलाइन, इसलिए अब वो रिप्लेस होते जा रहे हैं. ठीक है, रिप्लेस होगा सिंटर एल्यूमिना कोर से या फिर प्रेस्ड ग्लास सिस्टम से. पहले ये बहुत ज्यादा यूज होते थे और ये किस चीज में यूज होते थे? सिंगल क्राउन बनाने के लिए, क्राउन्स बनाने के लिए ज्यादातर यूज होते थे. क्राउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वैक्स पैटर्न, जो मैंने बताया कि पहले वैक्स पैटर्न बनाएंगे, इन्वेस्टेड इन फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट, फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट में हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, फिर वैक्स बर्न आउट होगा और हीट सोकिंग द इन्वेस्टमेंट कितने टेम्परेचर पे होती है? 950 डिग्रीज पे. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले हमने वैक्स पैटर्न बनाया जो कि क्राउन का वैक्स पैटर्न बन गया, उसके बाद हमने उसको इन्वेस्ट किया फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में, उसका बर्न आउट करने के लिए हम 950 डिग्रीज पे उसको हीट करेंगे. क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो, वैसे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, इसमें अभी कोई मुश्किल चीज अभी तक आई नहीं है. ओके, आगे चलते हैं. ओके, एंड देन मोल्टन सिरेमिक इसके अंदर फ्लो करवाएंगे, जो मैंने अभी बात की थी कि इसमें मोल्टन जिस जगह पे हमारा वैक्स पैटर्न था क्राउन का, उस जगह पे हम मोल्टन सिरेमिक को फ्लो करवाएंगे और उसे कास्ट करेंगे एट 1350 डिग्री सेंटीग्रेड. 1350 पे हम उसकी कास्टिंग करेंगे. ओके, दिस रिजल्ट्स इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास क्राउन व्हिच इज हीट ट्रीटेड इन एन ओवन फॉर 1075 डिग्रीज फॉर 10 आवर्स. अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले वैक्स पैटर्न बनाया क्राउन का, बना लिया, उसके बाद हमने उस वैक्स पैटर्न को इन्वेस्टमेंट फॉस्फेटेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसका वैक्स बर्न आउट किया 90 डिग्रीज पे. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने मोल्टन सिरेमिक जब वैक्स बर्न आउट हो गया, जगह खाली हो गई, हमारा मोल्ड
बन गया था, हमने इसमें फ्लो करवाया मोल्टन सिरेमिक और उसकी कास्टिंग करवाई 1350 डिग्रीज पे। जब ये हो गया तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास क्राउन आया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास क्राउन हमारे सामने आ गया। नाउ अब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास क्राउन को फर्दर हम हीट कराएंगे 10 आवर्स के लिए और 1075 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन एन ओवन, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हीट ट्रीटमेंट कहलाता है सिरेमिक, सही है, ये हीट ट्रीटमेंट कहलाता है सिरेमिक। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सिरेमिक, या अगर आपके ऑस्पी में कोई सवाल आएगा व्हाट इज सिरेमिक, तो आप लिखोगे सिरेमिक इज द हीट ट्रीटमेंट व्हिच इज कैरीड आउट इन एन ओवन एट 1075 डिग्री सेंटीग्रेड, 1075 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 आवर्स, दैट इज कॉल्ड सिरेमिक। So the heat treatment in an oven at 1075 degrees centigrade for 10 hours is known as ceramic. Clear hai? Aur iska fayda kya hai? Ki hum kyun kara rahe hain ceramic? Basically, jo hum yahan pe ceramic use kar rahe hain, uske andar bahut sare crystals maujood hain. Crystallization karwa rahe hain hum un crystals ki ceramic ke through. सिरेमिक से क्या होगा, पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी उन क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स कौन से होंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स अलोंग विद सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। तो क्या क्या था हमारे पास, हमारे पास था पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ऑक्साइड्स along with significant quantities of fluoride. तो इन सब crystals की हमने crystallization करा, partial crystallization through ceramic. So अगर कोई पूछे कि what is benefit of ceramic, it causes partial crystallization to form crystals of potassium, magnesium, silicon oxide along with significant quantities of fluoride. एक तो ये हो गया कि partial crystallization कराएगा ceramic. Clear है यहाँ तक? आगे next slide करूँ मैं? कोई क्वेश्चन हो तो रोक के पूछ सकते हो, ओके। सेकेंडली आप बता रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइजेशन हुई क्यों है, बेसिक मकसद क्या था, हमने क्यों क्रिस्टलाइजेशन प्रेफर की है या हमने क्यों सिरेमिक करवाई है। तो बेसिक इसका मकसद ये था कि इसमें जो फ्लोराइड निकलेगा, अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं ना, पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन ये बहुत सारे क्रिस्टल्स थे, तो जो फ्लोराइड का क्रिस्टल था जो कि एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी थी फ्लोराइड की ज्यादातर, तो उसका ड्यूअल इफेक्ट आएगा, ड्यूअल इफेक्ट जो कि एडवांटेजेस होगा, वो ड्यूअल इफेक्ट ये होगा कि वो इंक्रीज करे स्ट्रेंथ को, और दूसरा ये कास्ट ग्लास एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ग्लास सिरेमिक ज्यादा है। जो भी ग्लास सिरेमिक होता है ना, वो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्या मतलब है कि वो थ्रू एंड थ्रू उसके देख सकते हो, प्लस उसमें ट्रांसलूसेंसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इतनी एक्सेसिव ट्रांसलूसेंसी होती है कि वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाए, सॉरी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो हमें उसकी ट्रांसलूसेंसी को कम करना है, क्योंकि अगर हम कम नहीं करेंगे तो हम शेड मैचिंग कैसे करेंगे, राइट। तो वो ट्रांसलूसेंसी कम करने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ्लोराइड का रिलीज होना जरूरी है। तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्लोराइड की जो क्रिस्टलाइजेशन हुई है पार्शियल, वो हेल्प करेगी हमारी ट्रांसलूसेंसी को डिक्रीज करने में इस क्लियर मटीरियल के और स्ट्रेंथ बढ़ाने के। क्लियर है यहाँ तक कि सिरेमिक क्या है, क्यों करते हैं और कैसे होता है, कितनी देर के लिए हीट करते हैं, ये सब अभी तक मैंने बताया। अच्छा, अब उसके बाद है कलर मैचिंग इज अचीव्ड बाय टिंटेड पोर्सलीन टू द सरफेस एंड रीफायरिंग इज डन। बेसिकली कलर मैचिंग करेंगे हम, ऑब्वियसली अब टिंटेड पोर्सलीन को हमें यूज करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट पोर्सलीन नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसीलिए हमने फ्लोराइड भी इसे क्रिस्टलाइज कराया था ताकि फ्लोराइड की वजह से थोड़ी इसकी ट्रांसलूसेंसी कम हो, हमें थोड़ा शेड मैचिंग में हेल्प हो। कलर मैचिंग इज अचीव्ड बाय टिंटेड पोर्सलीन टू द सरफेस एंड रीफायरिंग होती है, रीफायरिंग अचीव कर लेंगे तो हमारा क्राउन आ जाएगा, रेडी हो गया। फर्दर इम्प्रूवमेंट इन अपीयरेंस इज अचीव्ड बाय द करेक्ट शेड ऑफ लूटिंग सीमेंट। अब अगर हमें और अपीयरेंस इम्प्रूव करना है, जो हमारी थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी रह गई, तो हम लूटिंग सीमेंट का भी वही रेट लेंगे जो कि हमारे दांतों का शेड है, ताकि वो उससे मैच कर जाए। लूटिंग सीमेंट क्या है,
जो कि सीमेंट यूज होगा हमारे क्राउन को दांत पे लगाने के लिए. क्राउन में इटसेल्फ प्रॉपर्टी नहीं है वो उसके साथ एडहेशन करा सके, मतलब कि उस पर चिपक सके. दांत के ऊपर अगर हमें क्राउन को प्लेस करना है और चाहते हैं कि वो क्राउन वहीं पे रहे, लूज ना हो, निकले नहीं, तो हमें बीच में सीमेंट लगाना पड़ता है. और जो सीमेंट स्टिकिंग पर्पस से यूज होता है बिटवीन द टूथ एंड द क्राउन या टूथ एंड द ब्रिज, कोई भी प्रोस्थीसिस, उसको कहते हैं लूटिंग सीमेंट. अब वो सीमेंट्स क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है, ये सब आगे चैप्टर्स में, सीमेंट्स के चैप्टर्स में पढ़ोगे. अभी के लिए इतना काफी है कि ने लूटिंग सीमेंट से हमेशा क्राउन को प्लेस करना है दांत के ऊपर ताकि वो उस पर चिपका रहे. ठीक है, अगर लूटिंग सीमेंट नहीं अप्लाई करोगे क्राउन नहीं प्लेस हो सकता, क्राउन वहां पर रुक ही नहीं सकता. ठीक है, सीमेंट लगा के हमें रोकना जरूरी है. और यहाँ पे हम अपीयरेंस जो है उस पे अगर वो करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो हम वही शेड लेंगे हमारे लूटिंग सीमेंट का जो कि हमारे दांत का रिक्वायर्ड है. क्लियर है सबको यहाँ तक? कास्ट ग्लास एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक्स क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, क्यों, अब किस चीज से वो रिप्लेस हो चुके हैं, सिरेमिक क्या होता है, सिरेमिक का फायदा क्या है, ये सब मैंने इसमें टॉपिक में बताया है. अगर कोई भी सवाल उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो. ओके, आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट आ गए विट्रियम टेट्रागोनल जर्कोनिया पॉलीक्रिस्टल्स. ठीक है, अब ये लेटेस्ट एडवांसमेंट है बेसिकली. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन है अगेन. इसमें कोई हमने सिर्फ सिरेमिक को ही यूज किया है और किसी चीज को इसमें नहीं डालते. Vitrium oxide is blended with zirconium oxide to generate a material known as partially stabilized zirconia. So basically, हम इसके अंदर क्या use करेंगे? Zirconia use कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम बता रहा है vitrium tetragonal zirconia polycrystals. ठीक है, तो latest advancement है ये, मतलब सबसे latest material है ये अब. जितने अभी तक मैंने पढ़ाए हैं ना, तो मैं reinforced ceramics जिसमें injection molded भी आ जाते हैं, alumina sintered alumina core आ गए, pressed ceramics आ गए, और अभी जो हमने polycrystalline ceramics पढ़े हैं, glass and polycrystalline, तो ये सबसे the latest technology है ये. अच्छा, vitrium oxide और zirconium oxide को हम mix करते हैं और एक partial stabilized material बनाएंगे जो कि कहलाएगा zirconia. ठीक है, विट्रियम ऑक्साइड जर्कोनियम ऑक्साइड को मिक्स करके जर्कोनिया बना दिया, प्रोसेस्ड यूजिंग कास्टिंग और मे बी मिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सिंटेड मटेरियल यूजिंग कैट कैम टेक्निक. ओके, अब कैसे बनते हैं ये, प्रोसेस्ड यूजिंग कास्टिंग. कास्टिंग का प्रोसीजर बताया था ना, कास्ट सिरेमिक्स में वैक्स पैटर्न बनेगा, वैक्स बर्न आउट होगी, फिर उसकी जगह पे फ्लो होगा. तो या तो हम कास्टिंग यूज करेंगे या फिर एक और तरीका होता है कैट कैम टेक्निक. ठीक है, कैट कैम टेक्निक के थ्रू भी बन सकता है. कैट कैम टेक्निक क्या होती है अभी आगे बताती हूँ. कैट कैम टेक्निक में बेसिकली क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक. इस टेक्निक में होता ये है कि एक हमने हमारे पास एक मशीन होती है, तो हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे. हमारे पूरा एरिया है जिसपे हमें क्राउन चाहिए या ब्रिज चाहिए, हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम उस मशीन में फीड करते हैं, वो मशीन खुद ही डिजाइन करती है और फिर उसके बाद खुद ही बना देती है. हमें सिर्फ ब्लॉक रखना होगा, जैसे अभी मैंने बात की थी ना इनगट रखना था सिरेमिक का, उसी तरह हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ सिरेमिक रखा है या इनगट ऑफ सिरेमिक रखना है इस मशीन के अंदर, और वो मशीन खुद ही उसको क्राउन को प्रिपेयर कर देती है. फायदा क्या है, वन सिटिंग में आपका क्राउन प्रिपेयर हो जाता है. आपने उसी वक्त रिकॉर्डिंग की 10-15 मिनट की और वो उसमें फीड किया, वो वहीं पे बनाएगा और आपको दे देगा क्राउन उसी दिन, सेम डे. सेकेंडली, ये आप अपने क्लिनिक्स में कर सकते हो, इसके लिए आपको लैब भेजने की जरूरत नहीं है. यूजुअली जो क्राउन या ब्रिज वर्क है वो सब आपने क्या करना है, आप इंप्रेशन लेते हो और आप जो भेज देते हो इम्प्रेशन को, फिर कि ये क्राउन बना के देना लैब का काम होता है, लेबोरेटरी टेक्निक है ये. ठीक है, ये सारी जो लेबोरेटरी में बनते हैं क्राउन ब्रिजेस ये सब, बट कैट कैम टेक्निक के थ्रू हम अपने डेंटल ऑफिस में बना सकते हैं, एक सिटिंग में बना सकते हैं, और वो पेशेंट जैसे किसी को अर्जेंसी में चाहिए तो हमारे पास अगर कैट कैम मशीन हो तो हम फौरन उसी वक्त पोस्टिंग का क्राउन बना के पेशेंट को दे सकते हैं.
The only disadvantage with this technique is कि CAD CAM की जो मशीन होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हर जगह पे इजिली अवेलेबल नहीं होती. तो हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई ये वाला क्राउन बना देगा यूजिंग CAD CAM टेक्निक. ज्यादातर लोग अभी भी कास्टिंग ही यूज करेंगे अगर हमने विट्रियम टेट्रागोनल जर्कोनिया पॉलीक्रिस्टल्स का क्राउन बनाना है या ब्रिज बनाना है. क्लियर है ये वाली स्लाइड कि CAD CAM क्या होता है? अभी मैं डिटेल में CAD CAM और पढ़ाऊंगी, पर इससे ओवरव्यू दे रही ताकि समझ आ जाए कि बेसिकली क्या तरीका है इसको बनाने का. ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग कॉजेस क्रैक प्रोपगेशन एंड स्ट्रेस करोजन रिएक्शन टू बी रिड्यूस्ड. ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग में होता ये है कि जो क्रिस्टल्स हैं हमारे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्रैक प्रोपगेट होने से भी रुक रहा है और करोजन रिएक्शन भी रिड्यूस हो रहा है. स्ट्रेस करोजन रिएक्शन क्या होता है कि अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है तो उसकी वजह से वहां पे करोजन होके वो जगह पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो करोड हो जाएगा वो एरिया, तो वो भी रिड्यूस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग की वजह से और क्रैक प्रोपगेशन भी रोकता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग इज अ पॉजिटिव थिंग विच हैपेंस इन विट्रियम टेट्रागोनल जर्कोनिया पॉलीक्रिस्टल्स. अच्छा, इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है 900 टू 1200 एमपीए और हाई वैल्यू ऑफ फ्रैक्चर टफनेस होती है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं और एक दफा ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग का बता देती हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग बेसिकली क्या होता है? चेंजेस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. चेंज होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं जो क्या होते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से, जो वो चेंजेस आते हैं आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर उस ड्यू टू स्ट्रेसेस, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग. और इस स्पेसिफिकली इस सिरेमिक में ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है हमें कि क्रैक्स को वो प्रोपगेट होने से रोक रहा है और स्ट्रेस करोजन रिएक्शंस को वो रिड्यूस कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग जो हो रही है हमारी. यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने बताया था कि री इन्फोर्स्ड सिरेमिक्स हम कैसे बनाते हैं, तो वो सब खत्म हो गए. ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ कोई इश्यू तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज पूछनी हो तो मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. ओके, सिंटरिंग. सिंटरिंग में मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि सिंटरिंग होता क्या है, हम उसी को थोड़ा सा एक दफा और पढ़ेंगे. मैंने बताया था वो ही है, बट उसी में थोड़ी बहुत चीजें एड अप हुई हुई हैं. ठीक है, तो सिंटरिंग क्या था? इट इज अ मेथड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पाउडर्स. कहाँ पे सिंटरिंग यूज हुआ था? एल्यूमिना के जो कोर थे ना, जो हमने बनाए थे सिंटर्ड एल्यूमिना कोर, उसमें सिंटरिंग यूज हुआ था. तो यहाँ पे सिंटरिंग क्या है वो बताया जा रहा है कि इट इज अ मेथड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पाउडर्स. तो पाउडर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक डिफ्यूजन. बेसिस क्या है? डिफ्यूजन पे. और एक सवाल आया था मेरे पास कि सिंटरिंग हीट, सिंटरिंग में हीट अप्लाई होती है या नहीं, तो उसका भी जवाब इसी में मौजूद है कि डिफ्यूजन अकर्स इन एनी मटीरियल. ठीक है, किसी भी मटेरियल में डिफ्यूजन हो सकता है, बट इट अकर्स मच फास्टर एट हायर टेम्परेचर्स. मतलब ये किसी भी मटेरियल में डिफ्यूजन हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, हीट अप्लाई करें या नहीं करो, बट अगर आप हीट अप्लाई करोगे, हायर टेम्परेचर रखोगे, तो ये डिफ्यूजन ईजी हो जाएगी, जल्दी होगी, फास्टर हो जाएगी. राइट, तो हमें डिफ्यूजन जल्दी चाहिए, इसलिए हम हमेशा हायर टेम्परेचर पे करते हैं, हीट इसमें अप्लाई करते हैं. Okay, in most sintering processes, the powdered material is held in a mold and then heated to a temperature below the mold, melting point. तो हो क्या रहा है? पाउडर लिया, उसको मोल्ड में डाला और उसको हीट किया, उस टेम्परेचर पे लेके जाएंगे जो उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिल्कुल बिलो हो, ताकि एक सिंगल सॉलिड पीस फॉर्म हो जाए. The atoms and powder particle diffuse across the boundaries of the particles, fusing the particles together and creating one solid piece. तो हुआ क्या है?
कि हमने सारे जो पार्टिकल्स थे उनको मोल्ड में डाला, मोल्ड में डाल के हीट किया, टेम्परेचर हीट किया हायर टेम्परेचर पे. उससे फायदा ये हुआ कि वो आपस में पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज हो गए और बाउंड्रीज जो है अक्रॉस द बाउंड्रीज फ्यूज करके एक सॉलिड पीस बना दिया उन्होंने. ठीक है, क्लियर है? सिंटरिंग जो मैंने ऑलरेडी एक दफा बताया था उसी का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि सिंटरिंग एक मेथड होता है, यूज होता है पाउडर से हमने सॉलिड मास बनाना है बेसिकली. तो उस पाउडर से सॉलिड पीस बनाने के लिए ये यूज होता है. और इसकी बेसिस क्या होती है? एटॉमिक डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन को फास्टर कराने के लिए हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं इसको. क्लियर है? आगे चलो, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हो. ओके, नेक्स्ट आ गया द जनरल प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग सिरेमिक ऑब्जेक्ट्स वाया सिंटरिंग ऑफ पाउडर इंक्लूड्स. तो बेसिकली ये स्टेप्स बता रहे हैं कि सिंटरिंग अगर हमने किसी भी सिरेमिक की करानी है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. ओके, क्वेश्चन है सिंटरिंग क्या होती है, ये रिपीट करना है. ओके, मैं एक दफा और बता देती हूँ कि सिंटरिंग एक मेथड है जिसके थ्रू पाउडर से हम बनाते हैं सॉलिड पीस. और ये जो मेथड है ये होता है हाई टेम्परेचर पे. क्यों? ताकि वहां पे डिफ्यूजन जो है वो इजिली और फास्टर हो जाए. ओके, सिंटरिंग है बेसिकली मेथड जिससे हमने पाउडर से बेसिकली सॉलिड पीस बनाना है. और ये बेस्ड होता है एटॉमिक डिफ्यूजन के ऊपर. और डिफ्यूजन जो होती है मटेरियल की वो होती है फास्टर एट हायर टेम्परेचर. इसीलिए हम हीट अप्लाई करते हैं सिंटरिंग करते वक्त. और मोस्ट सिंटरिंग प्रोसेसेस में क्या होगा, पाउडर पार्टिकल को हमने मोल्ड के अंदर डाला और उस मोल्ड को हीट किया उतने टेम्परेचर पे जो कि है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट. इस टेम्परेचर पे हमने इसको हीट किया. एटम जो होते हैं सारे पाउडर पार्टिकल से वो आपस में डिफ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करेंगे और एक सॉलिड पीस बना देंगे. क्लियर है? बहुत इजी है. बेसिकली पाउडर्स को फ्यूज करके थ्रू डिफ्यूजन हमने बना दिया एक सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल. और उसमें जो मेन प्रोसीजर इन्वॉल्व हुआ है वो हुआ है डिफ्यूजन का. ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स बता रही हूं मैं. नॉर्मली डिफ्यूजन जो हम करवा रहे हैं, बेसिकली सिंटरिंग जो हम करवा रहे हैं, सिंटरिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. ठीक है, अगर हमने कोई भी सिरेमिक का ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब कि सिरेमिक का राउंड बनाना है या हमने सिरेमिक को ही सिंटर कुछ भी बनाना है सिरेमिक थ्रू सिंटरिंग, तो हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं वो बता रहे हैं. सबसे पहले तो हमने वाटर, बाइंडर और अनफायर्ड सिरेमिक पाउडर मिक्स कर दिया. अनफायर्ड सिरेमिक पाउडर वो सिरेमिक पाउडर है जो अब तक इसके ऊपर फायरिंग नहीं हुई है, मतलब वो बिल्कुल रॉ सिरेमिक पाउडर है कि हमें मिला है. ठीक है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से उस मटेरियल को, उस पाउडर को विद अ बाइंडर. बाइंडर क्या होगा? स्टार्च होगा या शुगर होगी, राइट? मैंने बताया था स्टार्ट में. और वाटर, इन तीनों चीजों को मिक्स करके स्लरी, स्लरी मतलब पेस्ट बना दिया, एक हमने पेस्ट फॉर्म कर दिया. अब हमने उस पेस्ट को ड्राई करना है. ठीक है, इस पेस्ट पहले हमने इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स कर लिया, वाटर डाल के, मतलब वाटर, बाइंडर और अनफायर्ड सिरेमिक पाउडर, इसको हमने मिक्स कर लिया आपस में. मिक्स करने के बाद इसकी बनाई एक स्लरी. स्लरी इज पेस्ट. पेस्ट बनाने के बाद हमने उस पेस्ट को ड्राई करना है, मतलब उसमें से वाटर सारा इवेपोरेट कर देना है. वाटर निकल गया तो क्या बच गया? अनफायर्ड सिरेमिक पाउडर बच गया और हमारे बच गया बाइंडर. अब पुटिंग द ड्राइड पाउडर इनटू अ मोल्ड. अब हमने मोल्ड के अंदर ये ड्राई पाउडर डाल दिया और हमने इसको प्रेस टू फॉर्म अ ग्रीन बॉडी, दैट इज अनसिंटर्ड सिरेमिक आइटम. हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वो ड्राई पाउडर लेना है, मोल्ड के अंदर डालना है और उसको थोड़ा प्रेस करना है. प्रेस करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा ग्रीन बॉडी. ग्रीन बॉडी बेसिकली नाम दिया गया है, ग्रीन कलर की नहीं होती, सिर्फ एक नाम है उसका, ग्रीन बॉडी. ग्रीन बॉडी क्या है? अनसिंटर्ड सिरेमिक आइटम. तो वो एक अनसिंटर्ड सिरेमिक आइटम बन गया, पाउडरी हो गया है वो. ठीक है, वो हमने प्रेस कर दिया मोल्ड के अंदर.
अब हमने हीट करना है इस ग्रीन बॉडी को लो टेम्परेचर पे, ताकि जो बाइंडर था ना हमारा स्टार्च और शुगर में से जो भी था वो बर्न ऑफ हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब हम बाइंडर को बर्न करते हैं तो वो निकलते हैं बहुत ज्यादा उसका कंबशन के चांसेस होते हैं, मैंने बताया था ना, तो इसलिए हम लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं उसको, हीट कर रहे हैं ग्रीन बॉडी को लो टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, अनफायर्ड डायमिक पाउडर और बाइंडर है, और बाइंडर में कैपेबिलिटी होती है कंबशन करने की, इसलिए हम लो टेम्परेचर पे बर्न ऑफ करते हैं। बर्न ऑफ कर दिया बाइंडर को, नेक्स्ट क्या है, सेंटरिंग एट अ हाई टेम्परेचर टू फ्यूज द सराउंडिंग पार्टिकल्स टुगेदर। स्टेप में हमने क्या किया, सेंटर किया इसी पाउडर को हाई टेम्परेचर पे, ये वो फ्यूज करके सिरामिक पार्टिकल्स बना ले जो के फायरिंग के बाद बनते हैं, ठीक है। सिंटरिंग हुई मतलब के उसकी फायरिंग हो गई हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, क्लियर है ये कि सिंटरिंग के क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, हमने क्या किया उसमें, जनरल प्रोसीजर क्या था, हमने वॉटर बाइंडर अनफायर्ड सिरामिक पाउडर जो बिल्कुल ही रॉ होगा, इन तीनों को मिक्स करके पेस्ट बना लिया, इस पेस्ट को हमने पहले ड्राई ऑफ किया, ड्राई ऑफ करके वॉटर इवेपोरेट हो गया, राइट, पीछे बच गया पाउडर, ड्राइड पाउडर बचा जिसके अंदर बाइंडर और अनफायर्ड सिरामिक पाउडर, ओके। फिर हमने पाउडर को डाला मोल्ड के अंदर और उसको प्रेस किया टू फॉर्म अ ग्रीन बॉडी। ग्रीन बॉडी क्या होता है, बेसिकली अनसिंटर्ड सिरामिक आइटम होता है। अब इस ग्रीन बॉडी को हमने लो टेम्परेचर पे हीट करना है ताकि बाइंडर बर्न ऑफ हो जाए। एक दफा बाइंडर बर्न ऑफ हो गया तो हम उसकी सिंटरिंग कराएंगे, दैट इज एट हाई टेम्परेचर, हम उसको फ्यूज करवाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू टू फ्यूज द सिरामिक पार्टिकल्स टुगेदर। सिरामिक पार्टिकल्स डिफ्यूज होके एक सॉलिड मास बन जाएगा आपके सामने, फिर उस सॉलिड मास का आपने क्या करना है, उसको कूल डाउन करना है, ग्राइंड करना है, पैकेट्स में पैक कर देना है, आपका पाउडर रेडी है यूज के लिए, फिर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है? आगे चलो, सिंटरिंग समझ आ गया सबको डिटेल में। अब हम आ गए कैट कैम, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कैट की टेक्निक कहाँ यूज हो रही थी, विट्रियम टेट्रागोनल जिरकोनिया पॉलीक्रिस्टल्स के अंदर हमारी कैट कैम सिस्टम यूज हो रहा था। दो तरीके थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग के, एक तो थ्रू कास्टिंग था, दूसरा तरीका था थ्रू कैट कैम सिस्टम। तो हम कैट कैम सिस्टम अब बताएंगे कि होता क्या है डिटेल में। कैट कैम सिस्टम का पहले तो फुल फॉर्म सबको आना चाहिए, ज्यादातर ऑस्पी में व्हाट इज कैट कैम, व्हाट डज कैट स्टैंड फॉर जरूर पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पूछने के लिए कि कैट कैम क्या है, कैट कैम का फुल फॉर्म क्या है, कैट कैम किस चीज की एब्रिविएशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, फर्स्ट टू वर्ड्स आर द सेम, सिर्फ थर्ड वर्ड चेंज है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, ओके, दैट इज कैट कैम, ओके। अब ये क्या होती है, इसमें हम बनाते हैं मिल्क पोर्सलिन रेस्टोरेशन, जो मैंने पहले बताया, मिलिंग इज बेसिकली प्रिपेयर करना, जो हम मिल करते किसी चीज को बनाते हैं उसको मिलिंग कहते हैं, राइट, तो मिल्ड पोर्सलिन रेस्टोरेशन हम इससे बनाते हैं। हाईटेक अप्रोच टू प्रोवाइडिंग पेशेंट्स विद ड्यूरेबल टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन, ये हाईटेक अप्रोच है पेशेंट्स को ड्यूरेबल टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन, जैसी चाहो जिस एस्थेटिक्स की चाहो आप बना के दे सकते हो, ठीक है। सेरेक, सेरेक इज यूज टू मैन्युफैक्चर सिरामिक विनियर्स, सेरेक इज अनदर मटीरियल जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली अनदर डिवाइस, सॉरी, सेरेक इज अनदर डिवाइस जो कि यूज होती है और मेकिंग सिरामिक विनियर्स, सेरेक, जो सिरामिक विनियर्स बनेंगे थ्रू कैट कैम उसको हम सेरेक कहेंगे, क्लियर है कि सिरामिक विनियर्स थ्रू कैट कैम जब बनेंगे तो उसको हम सेरेक कहेंगे, ओके। इनमें जो कैट कैम टेक्निक है इसमें पोर्सलिन के बॉक्स यूज होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, बिल्ड इन द ऑफिस मतलब डेंटल ऑफिस के अंदर होता है, लेबोरेटरी टेक्निक नहीं है, कैट कैम सिस्टम इज अ डेंटल ऑफिस टेक्निक जो कि डेंटल ऑफिस में हो सकती है, ठीक है। पोर्सलिन के ब्लॉक्स इसके अंदर डालते हैं, वही मैंने बताया था रिकॉर्डिंग होती है उसमें फीड होती है, अभी उसका पूरा तरीका भी एक्सप्लेन कर रही हूँ,
नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अभी तक ये समझो कि इसके अंदर पोर्सलिन ब्लॉक्स लगते हैं और डेंटल ऑफिस के अंदर हम ये पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। वन अपॉइंटमेंट इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन इससे बनती है। वन अपॉइंटमेंट सिंगल विजिट एंड इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन मतलब कि ब्रिज, क्राउन, विनियर, ये होती है इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन। डायरेक्ट रेस्टोरेशन वो होती है डायरेक्टली दांत पे की जाती है। इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन वो होती है जो कि बाहर प्रिपेयर होके दांत के अंदर लग जाती हैं, उनको इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन कहते हैं। ओके, एक्सपेंसिव स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि ये मैंने बताया था ना इसके डिवाइस ही बहुत एक्सपेंसिव है और ये थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव होता है, तो ये डिवाइस जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इससे एक्सपेंसिव स्टार्टअप कॉस्ट। क्लियर है, सब समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? वैसे ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत बता चुकी थी अभी पहले जब मैंने कैट में एक्सप्लेन किया था, राइट? ओके, तो ऐसी होती है डिवाइस, देख तुम लोग, ये है जिसमें हम यहाँ पे उसका पोर्सलिन का ब्लॉक लगाएंगे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो होगी, मिलिंग होगी बेसिकली यहाँ पे। और ये कंप्यूटर इसके साथ अटैच्ड है, इसी मशीन के साथ अटैच हुआ होता है। इसके अंदर हम फिट करते हैं हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। अब देखो ये कैसे दिखा रहा है यहाँ पे, इसने डिजाइनिंग की है, ये खुद ही डिजाइन करता है, सब कुछ खुद करेगा। ये डिजाइन किया है, देखो इसने, ये क्राउन है, ये क्राउन को इसने डिजाइन किया है और इसके अंदर ये क्राउन मिल होगा, मतलब ये तैयार हो प्रोसेस होके बनेगा और फिर हम इस चीज को ऊपर करके यहाँ से क्राउन निकाल लेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम काफी लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पहले वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसके अंदर आपने डालनी है कंप्यूटर, फिर उसकी डिजाइन पूरी करता है और फिर उसके बाद उसकी मिलिंग का प्रोसीजर होता है, सही है? ओके, अब आगे है कैडकैम रेस्टोरेशन की प्रोसेसिंग हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अगर हमने कैडकैम के थ्रू कोई भी क्राउन बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो हम क्या करेंगे। ओके, ऑप्टिकल इम्प्रेशन इज रिकॉर्डेड यूजिंग वीडियो कैमरा, सही है, ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि ऑप्टिकल इम्प्रेशन कैसे रिकॉर्ड होता है, वीडियो कैमरा के थ्रू हम एक रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिससे पूरी तरह अच्छी तरह हर साइड से रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि सारे एंगल्स कवर हो जाए और उसकी उसमें बहुत हेल्प होगी। अगर अच्छी रिकॉर्डिंग होगी तो उतनी अच्छी उसकी डिजाइनिंग होगी, उतनी अच्छा हमारा वो बनेगा, क्राउन या ब्रिज बनेगा। Okay, the design details are then used to construct the restoration using a milling machine. Okay, हमने क्या किया, design details को बाद में use होता है to make the restoration using milling machine, which cuts the desired shape from a monolithic block of ceramic under the control of the computer. Monolithic मतलब single composition. Single composition ceramic का block होता है, वो हम इसके अंदर डालेंगे, वो कंप्यूटर के कंट्रोल में होती है, वो मिलिंग जो मशीन है उसके साथ की, और वो अपने उसे कंप्यूटर के हिसाब से डिजायर्ड शेप साइज की वो बना देता है। ऑप्टिकल इम्प्रेशन इज रिकॉर्डेड यूजिंग अ मिनिएचर वीडियो कैमरा, जो कि यूजुअली यूज होता है इसमें, मिनिएचर वीडियो कैमरा, नॉट अ हाई फाइस वीडियो कैमरा, छोटा वीडियो कैमरा होता है जिससे हम ऑप्टिकल इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं। And it scans the prepared tooth for about 10 seconds. अब जो video camera है उसमें हमने recording की है और हमने recording करके उसमें computer में feed की है, तो वो scan करेगा पूरी recording को prepared tooth को for 10 seconds. Okay, the prepared tooth surface should be clean and dry and covered with optically reflective powder to maximize the image acquisition. ये चीज important है, अगर आपका surface clean और dry नहीं होगा, tooth prepared tooth जो है जिसपे हमने वो crown बनाना है या जो हमारा दांत है जिसके अंदर हमने bridge place करना है, अगर उस दांत को हमने dry और clean नहीं किया तो हमारी पिक्चर जो वीडियो बनी है वो प्रॉपर नहीं आएगी, पिक्चर जो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन खराब होगा, उस हमारी डिजाइनिंग पे अफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो एंड प्रोडक्ट है जो क्राउन या ब्रिज बनेगा वो भी खराब हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि वो क्लीन और ड्राई हो। और दूसरी चीज, ऑप्टिकली रिफ्लेक्टिव पाउडर हम उसके ऊपर डालते हैं
ताकि वो अच्छी तरह रिकॉर्ड हो, क्योंकि बहुत सर्फेस हमारे ऐसे हैं कि अगर आप रिकॉर्ड करोगे ना नॉर्मल, अगर दांत को रिकॉर्ड करने लगो तो सर्फेसेस आपको सही तरह से बाउंड्रीज उसकी समझ नहीं आएंगी, टूथ की बाउंड्रीज, राइट? तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करवाने के लिए हम इस पर ऑप्टिकली रिफ्लेक्टिव पाउडर भी डालते हैं क्लीन एंड ड्राई करने के बाद. ओके, कोई इशू, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? अब सारा लाइक अब जो जो आगे का पोर्शन है इस चैप्टर का ना, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि शुरू के बेसिक्स तुम लोग अच्छे से समझ गए हो, तो ये सब चीजें उसी की फर्दर डिटेलिंग है, तो ये और अच्छे से समझ आएगी. ओके, अब CAD-CAM restoration for accuracy, this layer is uniform and kept as thin as possible. किस लेयर की बात हो रही है? वो जो पाउडर हमने नहीं लगाया था उसकी बात हो रही है, कि एक यूनिफॉर्म ही लेयर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हो कुछ जगह पाउडर ज्यादा कुछ जगह पे कम, ठीक है? और जितनी थिन हो सकती है उतनी पॉसिबल, ताकि प्रॉपर डिजाइन ले सके, प्रॉपर उसकी वो बाउंड्रीज उस पे रिकॉर्ड हो. An optical image of the opposing teeth can can also be captured to allow software to recreate the normal occlusion. तो बेसिकली हम उसकी अपोजिंग डेंटिशन भी रिकॉर्ड करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि नॉर्मल ओक्लूजन पे वो डिजाइनिंग ऐसी हो कि नॉर्मल ओक्लूजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो. Design restoration on computer screen takes 10 to 25 minutes and milling process takes 5 to 10 minutes. Matlab approximately agar hum 25 minutes yahan le aur 10 minutes se, to 35 minutes mein maximum aapko ek CAD-CAM ki restoration banke taiyar ho jati hai aapke samne, aur aapko sirf uski ek video recording karke us machine matlab computer mein dalna hai, aur wo khud hi designing karega, sab kuch karega aur milling karke aapko क्राउन आपके हाथ में दे देगा. अच्छा, अब ये रेंजेस इसलिए दी गई हैं क्योंकि अगर क्राउन होगा तो वो जैसे 10 मिनट्स लगे डिजाइनिंग के, अगर ब्रिज होगा तो इट माइट टेक 25 मिनट्स. इसी तरह मिलिंग में 5 मिनट्स लगेंगे अगर क्राउन, 10 मिनट्स लग सकते हैं अगर ब्रिज हो, तो डिफरेंट लिमिट्स दी हुई हैं. क्लियर है यहाँ पे? कोई और कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ. अच्छा, ये देखो ये रही वो जो कंप्यूटर डिवाइस थी जो मैंने दिखाई थी. अच्छा, ये सिरिक है, सिरिक जो मैंने बताया था कि जो विनियर बन रहा था, विनियर थ्रू CAD-CAM इस तरह का होता है दिखने में. ये डिजाइनिंग हो रही है, देख रहे हो डिजाइनिंग कर रहा है खुद से ये क्या बनाना है, और ये मिलिंग हो रही है, ठीक है? ये उसकी पिक्चर है, ये उसका कंप्यूटर है, ये सिरिक जो विनियर बन रहा है ये उसकी मिलिंग दिखा रहे हैं इस पिक्चर में, इस वाली पिक्चर में डिजाइनिंग होते हुए दिखा रहे हैं, और इस पिक्चर में ये जो ब्लॉक रखा है पोर्सलिन का, पोर्सलिन का ब्लॉक रखा है जिसके ऊपर अभी क्राउन बनेगा, ये मशीन अभी आएगी और मिलिंग करेगी और यहाँ पे क्राउन बन जाएगा. ओके ओके, नाउ द रेस्टोरेशन इज ट्राइड एंड एडजस्टेड बिफोर सीमेंटेशन. तो रेस्टोरेशन हमने ट्राई कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और फिर उसको सीमेंट के थ्रू हमेशा जब भी पोर्सलिन की कोई भी रेस्टोरेशन बनेगी उसको हम सीमेंट ही करेंगे, सीमेंटेशन करेंगे थ्रू अ लूटिंग सीमेंट, ये याद रखना है. ओके, एक बात जो इम्पोर्टेंट है, कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ आई, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. ओके, एक चीज याद रखनी है हमने कि जब भी हम सिरेमिक की फिटिंग सरफेस पे एचिंग करेंगे, एचिंग कहाँ पे होगी? एचिंग क्यों हो रही है? बेसिकली एचिंग इसलिए हो रही है ताकि हम टूथ स्ट्रक्चर पे बॉन्ड कर सके, राइट? तो बॉन्ड मतलब लूटिंग सीमेंट, सीमेंट लगाने से पहले हम उसको एसिड एच करेंगे. एसिड एच करने का फायदा क्या होता है? एसिड एच करने का फायदा ये होता है कि मैकेनिकल ग्रूव्स बन जाएंगे, थोड़ी सी पोरोसिटी बन जाएंगी अंदर की तरफ फिटिंग सरफेस में. और जब हम और फिटिंग सरफेस को हमने एच कर लिया और दांत को भी एसिड एच किया जाता है, दोनों में वो जो पोरोसिटीज बनी है उसके अंदर ही तो सीमेंट फ्लो करके आपके माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन करेगा. तो हमने जो माइक्रो मैकेनिकल, जो मैंने पढ़ाया था ना, माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन इज अचीव्ड बाय द लूटिंग सीमेंट. वो कैसे अचीव होती है? हम दांत टूथ सरफेस को भी एसिड एच करते हैं और सिरेमिक के भी फिटिंग सरफेस को एसिड एच करते हैं ताकि स्मॉल ग्रूव्स बन जाए. उन ग्रूव्स के अंदर हम फिर सीमेंट को फ्लो करवाएंगे और फिर उस जो भी आपके प्रोस्थेसिस है उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है?
अब यहाँ पे बात हो रही है कि सिरेमिक के फिटिंग सरफेस को किस चीज से एच किया जाता है. एसिड एचेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी एसिड्स मौजूद है. तो हम सिरेमिक के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. सिरेमिक फिटिंग सरफेस को एच करने के लिए यूज होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी किसी भी चीज की एचिंग में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज नहीं होता. ये बात याद रखना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो यूज होगा एचिंग करने के लिए सिर्फ सिरेमिक के फिटिंग सरफेस पे. अब सिरेमिक के फिटिंग सरफेस को हमने एच कर दिया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, और जो हमारा दांत है, टूथ है, जिसके ऊपर हमने वो सिरेमिक के की प्रोस्थेसिस अप्लाई करनी है, मतलब कि क्राउन अप्लाई करना है या ब्रिज लगाना है, तो उसको किस चीज से एच करेंगे टूथ सर्फिस को, 37% फॉस्फोरिक एसिड से. 37% फॉस्फोरिक एसिड से टूथ को एच करेंगे, ठीक है. और जो सिरेमिक का फिटिंग सर्फिस है, जो हमने प्रोस्थेसिस बनाई है उसका फिटिंग सर्फिस, वो एच होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. तो अगर पूछा जाए कि सिरेमिक टू सीमेंट सिरेमिक रेस्टोरेशन विच एचेंट इज यूज्ड, तो आप लिखोगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है. या ऑन द फिटिंग सरफेस ऑफ सिरेमिक विच एचेंट इज यूज्ड, या व्हाट इज यूज्ड फॉर एचिंग, दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी बिग मेजर पॉइंट जो पूछा जाता है, ऑस्पी में भी पूछा जाता है, बीसीक्यूज में भी पूछा जाता है. तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि बाकी कोई भी चीज आपने सीमेंट करनी है, सीमेंट लगा के अगर आपने सीमेंटेशन करनी है, तो वहां पे हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच नहीं करेंगे. हम वहां पे एचिंग करेंगे 37% फॉस्फोरिक एसिड से. बट सिर्फ सिरेमिक का मटीरियल वो है, फिटिंग सर्फेस है, जिसपे हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं. क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो वरना मैं आगे चलती हूँ. ओके, उसके बाद साइलेन कपलिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, रिटेन में हेल्प करता है. और अभी साइलेन कपलिंग एजेंट क्या होता है वो सब की डिटेल आगे पढ़ोगे. ओके, सीमेंटेशन इज डन यूजिंग ड्यूअल क्योर्ड रेजिन सीमेंट. ड्यूअल क्योर्ड क्या होता है? ड्यूअल क्योर्ड इज बेसिकली वो मटीरियल जो दो तरह से क्योर हो सकता है. मतलब कि कोई सीमेंट जो है वो क्योर होने के लिए लाइट क्योर भी हो सकते हैं, जो लाइट की हेल्प से हो, हीट क्योर, मतलब अगर हीट पड़ेगी तो ही क्योर होगा, या फिर डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्योरिंग होती है. अब यहाँ पे जो सीमेंट यूज हो रहा है वो ड्यूअल क्योर्ड है, मतलब कि वो होगा लाइट क्योर भी होगा कि हम उसे लाइट अप्लाई कर ले ताकि वो क्योरिंग हो जाए उसकी, और दूसरा वो होगा सेल्फ क्योर. सेल्फ क्योर सीमेंट्स में कोई चीज अप्लाई करने की जरूरत, बस हमने सीमेंट को अंदर लगाया और उस दांत के ऊपर प्लेस कर दिया और क्योरिंग हो गई, मतलब क्योरिंग मतलब सेटिंग हो गई उसकी, ठीक है. सीमेंट की क्योरिंग मतलब सीमेंट की सेटिंग, ठीक है. सीमेंट की सेटिंग के डिफरेंट तरीके हैं. सीमेंट की सेटिंग लाइट के थ्रू हो सकती है, हीट के थ्रू हो सकती है, एंड सेल्फ खुद ही हो सकती है. ये तीन मेजर तरीके हैं इसके, लाइट क्योर, हीट क्योर, सेल्फ क्योर. तो जो सीमेंट यहाँ पे यूज होता है फॉर कैट कैम की रेस्टोरेशन को लगाने के लिए, वो होता है ड्यूअल क्योर, दैट इज इट इज सेल्फ क्योर एज वेल एज लाइट क्योर, ताकि जब हम उस पर लाइट अप्लाई करेंगे तो वो स्पेशल टाइप की लाइट्स आती हैं, वो हम अप्लाई करेंगे, या फिर और थोड़ा बहुत वो खुद ही सेल्फ में कैपेबिलिटी होगी क्योरिंग की. ओके, फाइनल पॉलिशिंग इज डन इन माउथ. फाइनल पॉलिशिंग हम माउथ में करते हैं कैट कैम रेस्टोरेशन की. एंड ग्लेजिंग इज नॉट पॉसिबल. ग्लेजिंग जो मैंने बताया था ना कि जब भी कोई कैट कैम रेस्टोरेशन बनती है हम ग्लेजिंग करते हैं, शाइन आ जाए, सुपरफिशियल जो भी एबनॉर्मैलिटी पोरोसिटीज है वो हट जाए, वो ग्लेजिंग यहाँ पे कैट कैम रेस्टोरेशन में नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कैट कैम रेस्टोरेशन इटसेल्फ बहुत ही ग्लेज्ड और प्रॉपर शाइनी सरफेस होगा, उसमें कोई भी ह्यूमन मिलिंग प्रोसीजर या ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कैट कैम बहुत ही अच्छे से बना हुआ शाइनी होगा, स्मूथ होगा, हमें कोई ग्लेजिंग की जरूरत नहीं है इसमें. क्लियर है कैट कैम कैसे बनता है, उसके सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हुए. ओके, अच्छा, कैट कैम कंप्लीट करा लेती हूँ, 5 मिनट और लूंगी ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करें.
मटेरियल कौन से यूज होते हैं, ठीक है, कैट कैम के अंदर हम जो ब्लॉक डालते हैं वो कौन से मटेरियल होते हैं, उनके सिर्फ नाम याद होने चाहिए, सिंटेड एल्यूमिना के ब्लॉक्स हो सकते हैं, ग्लास सिरेमिक्स हो सकते हैं, या कन्वेंशनल फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन, मतलब जो नॉर्मल पोर्सलिन हमारा होता है वो ग्लास सिरेमिक्स हो सकते हैं, उसके ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, या हम सिंटेड एल्यूमिना के ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। ये तीन तरह के ब्लॉक्स यूज होते हैं कैट कैम टेक्निक के अंदर। ओके, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज फॉर चेयर कैट कैम, ऑल स्टेप्स कैन बी डन इन डेंटल सर्जरी, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि डेंटल सर्जरी में होता है, लैब की जरूरत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कंप्यूटर में फीड करो, वो खुद ही सारे स्टेप्स हो जाएंगे, तो सारे स्टेप्स डेंटल सर्जरी में हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब कि जितनी अच्छी क्वालिटी का आपने ब्लॉक लगाया, जिस मटेरियल का लगाया, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ का बनेगा। अगर हमने एल्यूमिना का ब्लॉक यूज किया तो उसकी स्ट्रेंथ, क्रैक प्रोपगेशन वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन का ब्लॉक लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऑल्टर कर सकते हैं, जिस तरह का हम ब्लॉक यूज करेंगे उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ये एडवांटेज है कि हमारे हिसाब से हम वो अपनी मर्जी का ब्लॉक लगा के अपनी मर्जी से ये कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली अगर कोई प्रोसीजर एडवांटेजेस है तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली 35 टू 40 मिनट्स लग जाते हैं बनने में, उससे पहले 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो यू नो 35 मिनट्स उसके प्लस 10 मिनट्स रिकॉर्डिंग करने में, तो एक डेढ़ घंटे का समझो अप्रोक्सीमेट टाइम हमें कंज्यूम होता है। Putting cement can act as a weak link between the restoration and tooth surface. क्यों? क्योंकि with time जो है आपकी लूटिंग सीमेंट जो है वो वेयर ऑफ होता है। ऑब्वियसली खाते पीते हो पूरे वक्त मुसलसल वो इस्तेमाल में होता है, तो आपका लूटिंग सीमेंट वेयर ऑफ हो सकता है और इसकी वजह से ये लूज होके निकल सकती है आपकी ये रेस्टोरेशन। तीसरी, हाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट कैन वेयर ऑफ एंड थस कॉम्प्रोमाइज द मार्जिनल फिट। ऑब्वियसली अगर वो वेयर ऑफ होगा, मार्जिनल फिट आपकी फिटिंग लूज होगी, वो निकलने के चांसेस है पहली चीज। दूसरी चीज, वेयर ऑफ होने की वजह से आपकी जो है मार्क्स पे केरीज लगना शुरू हो जाएगी, प्लाग डेपोजिशन, मतलब प्लाग और वो सब जो आपका होता है खाया पिया जो भी है वो वहां पे फंसना शुरू हो जाएगा, ये सारे मसले आ सकते हैं। ओके, सेरेक फिर मैं नेक्स्ट टाइम कराती हूँ, ठीक है। अभी यहीं पे मैं कैट कैम हमने कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट टाइम हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक्स करे हैं उनको घर पे एक दफा रिवाइज करना, बुक पढ़ना अच्छे से, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज क्लियर ना हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई हो, कोई चीज पूछनी हो तो अभी भी पूछ सकते हो। आज के सबको सब समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैसे कंपैरेटिवली इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, राइट? सो मुझे अगर 2 मिनट और है, अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर बाकी लेक्चर। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर होगा सिरेमिक का, जो कि होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और उस लेक्चर के बाद सिरेमिक का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना अभी तक पढ़ा है सिरेमिक, उसको अच्छे से एक दफा से पढ़ो, देखो कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट होगा। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो पूरे चैप्टर से रिलेटेड तो वो मुझसे कर सकते हो, ठीक है? तो आज हमने कैट कैम तक कंप्लीट किया है, नेक्स्ट टाइम हम आगे जो इसका थोड़ा पार्ट रह गया है, जिसमें मेजर पार्ट है हमारा पोर्सलिन विनियर्स के बारे में, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल के बारे में, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर मैं बंद कर रही हूँ आज का लेक्चर यहीं तक। कोई क्वेश्चन नहीं आया, मीन सबको सब कुछ समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है? चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।